और मैं कुछ कहने वाला था, मैं भूल गया क्या कहने वाला था। देवियों सजनों, क्या हालचाल, सस्त्रे काल, सब बढ़िया कि नहीं। ये अगला व्लॉग और अभी मैं हूँ मुंबई में। सुबह के 6:30 बजे हुए हैं, दिख रहा है ना, 6:30। हाँ, व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन शेयर कर रखी है घर वालों को, ताकि मैं किडनैप हो जाऊँ तो पता चल जाए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कहीं स्टेशन पर उतरो ना तो दिमाग लगा के चला करो, ये तो कांड हो जाते हैं। बढ़िया वाला स्कैम होता है हर जगह, मुंबई, दिल्ली, गोवा, ऐसी जगहों पे। तो खुद का दिमाग यूज़ किया करो भाई, कितना ट्रैफिक है मुंबई ट्रैफिक, सुबह सुबह इतना शोर। अभी मैं जा रहा हूँ लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पे। तो मित्रों, अभी हम बैठे हैं ऑटो में, प्रस्थान किया है लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन की तरफ। और मुंबई में आते ही सुबह सुबह दर्शन हो गए जाम के। सबसे पहला प्लान तो ये है कि स्टेशन पर उतर के मुझे चाय पीनी है, सर दर्द हो गया पता नहीं कैसे, सोया नहीं रात में इसलिए शायद। अभी ब्रू गोल्ड वाली 2 रुपए वाली कॉफ़ी रखी है बैग में, चाय में वही मिला करके अपना टॉनिक तैयार किया जाएगा और उसको पिया जाएगा। तो दोस्तों, सुबह के 8 बज चुके हैं और मेरी ट्रेन है यहाँ से गोवा की 11:40, जिसकी जर्नल टिकट मिलेगी, जर्नल वाली बोगी का पता है तुमको क्या सीन है, तो टिकट वो मिलेगी और यहीं से ट्रेन बनेगी। मुझे जगह घेरनी पड़ेगी, कब्जा जमाना पड़ेगा जगह पे और वहाँ पे बैठ के सो जाऊँगा, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ बिल्कुल भी। और फिलहाल 11:40 की ट्रेन है, तो वापस आऊँगा तभी टिकट बुक करवाऊँगा। फिलहाल टाइम पास के लिए मैं इधर पास में एक पार्क देखा मैंने, उधर ही जा रहा हूँ। इतना सारा बोझा ढो करके ऐसे घूमने निकल गया, यही तो फ़ायदा होता है फिट होने का, कितना भी वॉक करो, एक लिमिट तक, मतलब कितना भी वॉक करो, चिल मारो चिल। अब देखते हैं पार्क में क्या है। और मैं कुछ कहने वाला था, मैं भूल गया क्या कहने वाला था, क्या कहने वाला था, याद आएगा तो बताऊंगा तब तक के लिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था ना कि जितने भी पैसे मैंने अब तक फालतू में वेस्ट करे ना, ये जर्नल की एक टिकट से गोवा जा करके ना, सारे पैसे जो वेस्ट हुए बराबर, तो मेरे पापा बड़े खुश हो गए, बोलेंगे बेटा समझदार हो गया है, जितना पैसा उड़ाया उतना बचा भी लिया। और जो एक चीज़ नोटिस करने वाली है वो ये है कि मुंबई की बिल्डिंगों का स्ट्रक्चर काफ़ी मतलब डिफरेंट है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि हर खिड़की पे मतलब जाले वगैरह लगे होते हैं, जहाँ भी देखो खिड़कियों पे जाले। और ठीक है देखना, अरे ये कितना खूबसूरत लग रहा है, वाह, मतलब मेरे मुंह पे अच्छी लाइट आ रही होगी तो मैं भी खूबसूरत लग रहा रहूँगा। कैसे लग रहा हूँ मैं, हैंडसम? मुझे सुनाई दिया, तुमने बोला नहीं इसलिए कैमरा घुमाया है। अरे वो सामने पा रहे क्या शायद, हाँ पहुँचने वाला हूँ। मतलब नहीं, ये बस समझ में नहीं आती है कि मुंबई के लोगों को समझ में क्यों नहीं आता कि दिल्ली की ठंड के सामने मुंबई की ठंड कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। दिल्ली आओ, दिल्ली में गर्म बनियान पहना था मैंने, शर्ट पहना था और ये जैकेट पहनी थी, तब भी ठंड लग रही थी। चलो रात का टाइम था, दिन में बेशक ना लगे, यहाँ तो भाई शर्ट और इस जैकेट में पसीना आ रहा है। और ये मुंबई के लोगों को लगता है कि मुंबई में ठंडी पड़ती है, ठंडी पड़ती है दिल्ली में, वो भी मनाली के लेवल की। आओ कभी तब समझ में आएगा तुमको।
वॉशरूम जाके जैकेट बैग में रख के मुंह धो करके टिकट कटवा के ट्रेन का वेट करेंगे। और अभी हम पहुंचे हैं रत्नागिरी। रत्नागिरी के बाद दो स्टेशन और है, एक का नाम है कुडल, एक का नाम है थिविम। मुझे थिविम पे उतरना है। हालत टाइट हो गई है, जर्नल बोगी है, सही समझ रहे हो? तो ठीक है, एक बार फ्लाइट में घूम लिया तो एक बार जर्नल भी चलता है। सीट मिल गई वही बड़ी बात है। स्टार्ट होने वाली है, चलते हैं। थिविम स्टेशन पहुंच चुका हूँ, अब बस जा कर के टैक्सी ऑटो जो मिल जाए और फिर होटल पहुंच जाऊँगा। फ़ोन में 7% बैटरी है, बैटरी ख़त्म होने वाली है। चलो ठीक है, जो भी है। तो थिविम रेलवे स्टेशन से कैब ले ली है और अभी हम जा रहे हैं बागा बीच की तरफ। फ़ोन की भी बैटरी डाउन है और मेरी भी डाउन है। फ़ोन में भी 3% है, मेरे में भी 3% बैटरी बची है और पहुँचते मैं लुढ़कने वाला हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, देख लिया भाई बहुत है। अगला ब्लॉग स्टार्ट करेंगे अब अगली बार, शायद कल सुबह। तब तक के लिए बाय।